हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इवा रसोई। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पपीते का मिल्क शेक बनाने का बहुत ही इजी मेथड। आप इसे सिर्फ 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक पका हुआ पपीता। ये पपीता हमारे घर पर पेड़ पे लगा हुआ है। इसको कोई भी दवाई वगैरह से हमने नहीं पकाया है। तो इस तरह से हम पपीते को बीच में से कट करेंगे और ये देखिए पपीता हमारा बिल्कुल पका हुआ है। और हमें शेक बनाने के लिए इस तरह का पपीता ही चाहिए और इसमें एक भी बीज नहीं है। फिर इस तरह हम इसे काट लेंगे और फिर हम इसे ऊपर की लेयर को इस तरह निकाल देंगे। अगर हम इसे नहीं निकाल लेंगे तो हमारा मिल्क शेक अच्छा नहीं बनेगा। फिर हम इसका छिलका भी इस तरह से निकाल देंगे। फिर हम पपीते के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि शेक बनाने में हमें इजी रहेगा। और इसी तरह से मैं सारे पपीते के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। फिर इसके बाद हम एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें हम सारे पपीते के टुकड़ों को डाल देंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 गिलास दूध। फिर हम मिक्सी जार बंद करके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद ये देखिए हमारा पपीते का शेक बन गया है, एकदम से तैयार हो गया है। अब इसे हम सर्व करेंगे। इसके लिए मैंने 2 गिलास लिए हैं। फिर इसमें हम डालेंगे पपीते का शेक। फिर इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे बादाम, काजू और किशमिश के साथ। फिर इसके ऊपर मैं डालूंगी टूटी फ्रूटी रेड और ग्रीन कलर की। और ये देखिए कितना कलरफुल हमारा पपीते का शेक लग रहा है। तो लीजिए, 5 मिनट में रेडी हो गया हमारा पपीते का शेक। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।